बांग्लादेश बनाम भारत के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट मुकाबला ढाका के मैदान में खेला जा रहा है। आपको बता दें, आज भारत की प्लेइंग 11 में एक बेहद ही चौंकाने वाला फैसला दिखाई दिया, जहां पहले मैच के मैन ऑफ द मैच कुलदीप यादव को ही टीम से बाहर करके 12 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे जयदेव उनादकट को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में शामिल किया गया। ये फैसला क्यों लिया गया, किस लिए लिया गया, इसके पीछे किसका हाथ था, फैंस को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। इस फैसले को देखने के बाद सभी भारतीय फैंस का गुस्सा सोशल मीडिया पर केएल राहुल और भारतीय कोच राहुल द्रविड़ पर निकला। आपको बता दें कि पहले मुकाबले में कुलदीप यादव ने 8 विकेट झटकाए, जहां उन्होंने पहली पारी में 5 तो वहीं दूसरी पारी में 3 विकेट लिए। इतना ही नहीं, जब टीम इंडिया एक वक्त पर 300 रन बनाने में संघर्ष कर रही थी, तब कुलदीप यादव ने ही 40 रनों की बहुमूल्य पारी खेलते हुए टीम को 404 रनों के पास पहुंचा दिया। इतने शानदार प्रदर्शन के बावजूद भी टीम से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। अब जानते हैं कि इस मामले पर भारतीय कप्तान केएल राहुल ने क्या कहा है। केएल राहुल की माने तो उनके लिए भी ये फैसला काफी खराब फैसला है, लेकिन ये फैसला उन्होंने क्यों लिया, इसके बारे में केएल राहुल ने खुलकर बात की है। केएल राहुल ने टॉस के दौरान बताया कि हमने एक बदलाव किया है, कुलदीप यादव आज प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है, उनकी जगह उनादकट आए हैं। हमारे लिए कुलदीप को बाहर छोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है, लेकिन ये उनादकट के लिए एक अवसर है। ईमानदारी से कहूँ तो सतह को देखकर समझ नहीं आ रहा है कि इसे क्या बनाया जाए। पिच पर थोड़ी घास ज़रूरी है, लेकिन आमतौर पर यहाँ बल्लेबाजी करना अच्छा होता है। यहाँ आमतौर पर कुछ उछाल होता है और तेज़ गेंदबाजों और स्पिनरों दोनों को मदद मिलती है। हम पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे, लेकिन हमें यकीन नहीं है कि इस पिच पर क्या उम्मीद की जाए। केएल राहुल के इस बयान से तो यही साफ समझ में आता है कि उन्हें अतिरिक्त तेज़ गेंदबाजों की मदद चाहिए, क्योंकि इस पिच पर तेज़ गेंदबाजों को ज़्यादा मदद मिल रही है। लेकिन ऐसे में कुलदीप यादव को बाहर करना भी अच्छा फैसला नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले टेस्ट मुकाबले में अपनी भूमिका अच्छे से निभाई। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि ये फैसला टीम इंडिया पर कितना भारी पड़ता है। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।